हे गाइस वेलकम बैक टू वन स्टेप बायोलॉजी सो गाइस आज के वीडियोस में हम स्टार्ट करें नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 16 क्लास 11th एनसीईआरटी का और इस चैप्टर से हम बेसिकली हमारा जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें काइज अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो तो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और अगर काइज आपको कोई भी फीडबैक देना है आपको अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो जरूर उसको लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में वीडियोज़ के तो चलिए चलेगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Uh, जब भी हम डाइजेशन और अब्जॉर्बन की बात करते हैं है ना तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में पूछा जाता है वो है फूड ठीक है ये पूरा आपका जो सिस्टम है डाइजेशन का ये फूड के अराउंड ही इवॉल्व हुआ है और फूड क्या माना जाता है फूड माना जाता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ठीक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ना और आपके मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड में बहुत सारे से कंपोनेंट्स होते हैं ये कंपोनेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ये जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके बॉडी में है ना ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करते हैं तो बेसिकली ये जो फूड के कंपोनेंट्स है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ठीक है या ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोवाइड करते हैं जो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं अब क्या होते हैं ये कॉम्पोनेंट्स वो भी देख लेते हैं तो जैसे कंपोनेंट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्पोनेंट है प्रोटीन्स कॉम्पोनेंट है फैट कॉम्पोनेंट है ना तो ये तो बहुत मेजर कॉम्पोनेंट हो कुछ और छोटे छोटे अमाउंट में कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं जैसे कि विटामिन मिनरल्स इवन वाटर भी फूड का एक कॉम्पोनेंट है, है ना और हम वाटर को क्या बोलते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साथ में बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फूड है है ना ये हमेशा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स से बना होता है है ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है और हमारी बॉडी मैक्रो मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं कर सकती है तो अब क्योंकि इसको यूटिलाइज डायरेक्टली नहीं कर सकती है तो वो इसको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर लेती है ठीक है और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल अब्जॉर्ब हो सकने वाले फॉर्म में है ना सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें डाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है ठीक है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं तो डाइजेशन को मैंने क्या बोला कन्वर्जन डाइजेशन क्या है डाइजेशन है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म ठीक है तो ये तो होगी डाइजेशन की डेफिनेशन और ये जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें कि कुछ मैकेनिकल और कुछ बायोकेमिकल मेथड्स इन्वॉल्व है तो बेसिकली जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है ना इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स माने जाते हैं एक होती है एलिमेंट्री कनाल और दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव जो इस कनाल से ही एसोसिएटेड इसीलिए उनको एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं है ना और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं अब जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ने वाले हैं बट अगर गाइज में आपको ये डायग्राम दिखाऊं है ना और इसमें जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है वो मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाऊं, तो यहाँ आपको ये स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कैविटी से, है ना तो ये जो है हमारी कैविटी मानी जाती है ओरल कैविटी में भी सबसे बड़ सबसे पहले जो ओपनिंग है वो होता है हमारा माउथ ठीक है और माउथ आगे बढ़ता है फैरिंग्स और फिर एसोफेगस और आपके जो ओरल कैविटी है उसमें ये तो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट हो गया माउथ फैरिंग्स और एसोफेगस इसके अलावा आपको ग्लैंड दिखेंगे है ना तो ये जो आप ग्लैंड देख रहे हैं है ना ये जो ग्लैंड देख रहे हैं एक तो ईयर के पास दिख रहा है इसको बोलते हैं पैरोटेड ग्लैंड और उसके बाद आपको ये जॉ के पास दिख रहा है है ना जॉ के बाद जो दिखता है वो होता है सब मैग्जिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड ठीक है इसके बाद अब आप नीचे जब आएंगे तो एसोफेगस ओपन होता है स्टमक में है ना और स्टमक फिर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि है डिओडिनम जिसका एक पार्ट है ठीक है डिओडनम आपका ओपन होता है जेजनम है ना और फिर उसके बाद आता है इलियम उसी तरीके से अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखेंगे तो वो कोलन जो आपका बोला जाता है कोलन में भी आपका तीन पार्ट होगा डिसेंडिंग ट्रांसफर्स और असेंडिंग है ना तो ये जो है वो डिसेंडिंग है ये है ट्रांसवर्स और उसके बाद ये है असेंडिंग है ना और ये जो आपको दिख रहा है ना ये जो है ये इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन ठीक है इसके नीचे ये जो एकदम एंड हो रहा है इसको बोलते हैं केशम और इस साइड में आपको दिख रहा है रेक्टम और जो फिर सबसे एंड ओपनिंग होती है एनस और यहां पर एक आपको छोटा सा ऑर्गन दिख रहा है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ठीक है इसको वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बोलते हैं क्योंकि अभी ये हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है और इसके अलावा आपको एक्सेसरी ऑर्गन और दिखेंगे है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं जिसमें ये आपको पैनक्रियास दिख रहा है यहां पर ये जो छोटा सा आपको ऑर्गन दिख रहा है ये है गोल ब्लैडर और ये है आपका लिवर है ना इन सबका भी हम साथ में फंक्शन देखेंगे बाद में ठीक है अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कनाल से ठीक है एलिमेंट्री कनाल में भी कही आज हम क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे ओरल कैविटी के बारे में क्या क्या पार्ट है ओरल कैविटी के किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी के अंदर ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स कवर करेंगे ठीक है तो ओरल कैविटी की जब हम बात करते हैं है ना तो ओरल कैविटी आपका क्या है स्टार्ट होता है माउथ से और इसीलिए जब हम एलिमेंट्री कनाल भी डिफाइन करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल ही कवर कर रहे हैं तो जब हम एलिमेंट्री कनाल भी डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्री कनाल जो है है ना वो शुरू होती है कहाँ से एंटीरियर ओपनिंग से हमारी जो एंटीरियर ओपनिंग है वो क्या है माउथ ठीक है और लास्ट जो आपकी ओपनिंग होती है जो बोलते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग है ना सबसे लास्ट वो होती है एमस तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है वो स्टार्ट होती है माउथ से और खत्म होती है एमस पे ठीक है अब सबसे पहले मैंने बोला ओरल कैविटी पढ़ेंगे तो आपका जो ये माउथ है है ना जो स्टार्ट हो रहा है वो माउथ जो है वो लीड करता है बक्कल कैविटी और इसी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं ठीक है अब आपके ओरल कैविटी में क्या होते हैं आपकी में दो चीजें होती है। एक तो होते हैं टीथ और दूसरी होती है टंग और इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर टंग मसल्स की बनी हुई टंग ठीक है अब टीथ के बारे में पहले समझते हैं तो बेसिकली टीथ अगर उसका सिंग्युलर फॉर्म में बोल दू ना तो वे क्या है? एक सेट में होता है ठीक है और ये जो टीथ है आपका वो कैसे है वो है make, है बोन में ना सॉकेट जैसे हैं जिसके अंदर फंसा हुआ है बेसिकली और ये जो सॉकेट है वो बोन का ही पार्ट है और उस बोन को हम क्या बोलते हैं इस बोन को बोलते हैं जॉ बोन है ना तो हमारे पास एक तो दो सेट ऑफ बोन नहीं है ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक है तो हम बोलते हैं अपर जॉ और लोअर जॉ ठीक है और इसी के अंदर सारे टीथ जो हैं है ना वो सॉकेट में एम्बेडेड है इसी जॉ बोन के अंदर इस टाइप का जो अटैचमेंट होता है इसको हम बोलते हैं थेकोडोंट तो थेकोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट क्या है बेसिकली इस अटैचमेंट का मतलब है कि जो आपके टीथ हैं, वो एम्बेडेड हैं, सॉकेट में और किस चीज के सॉकेट में जॉ बोन के सॉकेट में ठीक है तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं और थे ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो आपको ये वर्ड्स याद रखने ठीक है अब क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ मैमल्स अगर आप देखेंगे इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस है ना तो ह्यूमंस में भी क्या होता है कि दो दो तरीके के उनके पूरी लाइफ में दो तरीके के टीथ आते हैं ठीक है सबसे पहले जब ऑफस्प्रिंग होता है ह्यूमंस में तो क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद उसके टेम्पररी वाले टीथ जिनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं डेसीडस टीथ भी बोलते हैं है ना वो आते हैं धीरे धीरे क्या होता है वो सारे निकल जाते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट जिनको हम जिसको हम बोलते हैं अडल्ट टीथ दो तरीके के टीथ क्या है टेम्पररी मिल्क टीथ और परमानेंट एडल्ट टीथ ठीक है अब इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है है ना? तो हम बोलते हैं इस टाइप का जो डेंटिशन होता है इसको हम बोलते हैं डिफाइड ठीक है जहां पर पूरे लाइफ साइकिल में पूरी लाइफ में दो तरीके के टीथ आ रहे हैं ठीक है अब अगर हम आगे एडल्ट्स की बात करें ह्यूमन में है ना तो क्या होते हैं टोटल थर्टी टू परमानेंट टीथ होते हैं और ये जो थर्टी टू परमानेंट टीथ हैं वो चार टाइप्स में डिवाइडेड तो है ना होते हैं जिनमें थर्टी टू टोटल होते हैं ठीक है ये चार तरीके के टीथ कौन से होते हैं इंसिजर्स जिसको हम आई से डिनोट करते हैं कनाइन जिसको सी से डिनोट करते हैं प्री मोलर्स जिसको पी एम से डिनोट करते हैं और मोलर्स जिसको एम से डिनोट करते हैं अब अगर हम बात करें कि, कि किस तरीके से ये 32 परमानेंट टीथ अरेंज्ड हैं, तो अरेंजमेंट इसका हमें देखने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पूरे ओरल कैविटी को अपर और लोअर जॉ में डिवाइड करना होगा और फिर जो हमारा अपर या लोअर जॉ है उसको भी दो हाफ में डिवाइड करना होगा ठीक है तो जब अरेंजमेंट देख रहे हैं तो हम किसी भी अपर या लोअर जॉ के एक हाफ का अरेंजमेंट देख रहे हैं और उसी को दूसरी तरफ रेप्लीकेट कर देंगे ठीक है तो अगर आप उसका डेंटल फॉर्मूला देखेंगे तो आपको डेंटल फॉर्मूला मिलेगा टू वन टू थ्री ऊपर में भी हाफ में और टू वन टू थ्री नीचे के भी हाफ में और यही रिपीट हो जाएगा तो बेसिकली ये किस ऑर्डर में है ये भी देख लेते हैं इंसिजर, कनाइन प्रीमोलर और फिर मोलर मतलब दो इंसिजर फिर एक कनाइन फिर दो प्रीमोलर और उसके बाद तीन मोलर है ना और ये हम एक हाफ की बात कर रहे हैं ऊपर के साइड या एक हाफ की बात कर रहे हैं नीचे के साइड ठीक है और इस ये जो आपके सारे टीथ हैं है, है ना इसके ऊपर एक कोटिंग होती है इनेमल की ठीक है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है है ना जो कि च्यूइंग में हेल्प करता है और इसलिए हम बोलते हैं कि इनेमल हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड च्यू करने में हेल्प करता है ठीक है तो ये तो हो गया हमारा टीथ का पूरा स्ट्रक्चर इसके अलावा क्या है टंग अगर आप टंग देखेंगे तो क्या है एक तो पूरी तरीके से मस्कुलर है टंग है ना तो मस्क्यूलर टंग बोलते हैं हम ह्यूमंस में होती है और फ्रीली मूवेबल होती है टंग ठीक है तो है क्या कि ये सिर्फ नीचे से तो हम बोलते हैं कि जो ओरल कैविटी का फ्लोर है उससे जुड़ी होती है और वो भी पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होती है एक छोटे से पीस से एक जगह जुड़ी है जिसको हम बोलते हैं फ्रेन्युलम तो हम बोलते हैं कि ये फ्रेन्युलम से हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी है अब अगर आप टंग का अपर सरफेस देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा अपर सरफेस पूरी तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है कहीं से जुड़ा हुआ नहीं किसी चीज से है ना और इसपे छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिले ठीक है और यही पैपिले के अंदर क्या मिलेगा हमें इसी पैपिले के अंदर हमें मिलते हैं टेस्ट बर्ड्स तो जो हम अलग अलग तरीके के टेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं वो बेसिकली इन्हीं पैपेले में छिपे हुए टेस्ट बड्स से एक्सपीरियंस करते हैं ठीक है तो बेसिकली टंग कैसी है अब ऊपर की तरफ से पूरी तरीके से फ्री है यहाँ पर आपको छोटे 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 प्रोजेक्शन देखेंगे जिनको हम पैपेले बोलते हैं जिसमें टेस्ट बर्ड्स हैं और नीचे की तरफ से ये एक जगह से फ्रेन्युल से जुड़ी हुई है ठीक है और पूरी तरीके से सो so इसी के साथ हमने ओरल कैविटी पूरी कवर कर ली है आगे का जो पूरा एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आई होप आपको ओरल कैविटी अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आ गई है तो वीडियो को अभी लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए और अगर नहीं आई है और कोई डाउट है तो जरूर अपने डाउट्स पूछिए आप वीडियो के कमेंट में और गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप नए हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे थैंक्स फॉर दिस वीडियो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय